चोरों के हौसले बुलंद। रिहायशी इलाके में दो दुकानों में की नकदी और गहने चोरी। बूंदी जिले के नैनवा में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नैनवा शहर रिहायशी इलाके में से सामने आया है, जहां पर देर रात चोरों ने दो दुकानों को अपना निशाना बनाया। मुख्य बाजार में एक श्रीनाथ ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर उछाल कर लाखों के चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। वही दूसरी चोरी उनियारा चौराहे पर रोहित फुटवेयर की दुकान में हुई, जहां भी इसी तरह शटर उछाल कर चोरों ने गले में रखे करीब 16,000 रुपए चुरा कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात रिहायशी इलाकों में हुई, यहां हमेशा हलचल रहती है। बावजूद इसके चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया, जिससे पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जहां चोर और असामाजिक तत्व रात्रि के समय घूमते रहते हैं, अभी हाल में हुई दो चोरी लोगों की रातों की नींद भले ही उड़ रही हो, लेकिन पुलिस की गहरी नींद आज भी नहीं टूटी है। गौरतलब है कि अब पुलिस को जनता की सुरक्षा की परवाह नहीं रही। आए दिन चोरी की वारदात और राहगीरों के साथ घटनाओं ने लोगों का चैन छीन लिया है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। चोरी की सूचना पर नैनवा थाना अधिकारी बृजभान सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वही पुलिस फिलहाल आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।